हेलो दोस्तों, नमस्ते। सुबह सुबह की गुड मॉर्निंग। और हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, आप सब कैसे हैं बताइए। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने घर परिवार में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आप लोग को आज पहली नवरात्रि है, हैप्पी नवरात्रि आप लोग को। और दोस्तों, आप लोग बताइए आप लोग कैसे होंगे सब। हम लोग तो अच्छा ही है दोस्तों, खाना बना रहे हैं अभी। हमारे घर पे कोई नहीं है दोस्तों, इसलिए अकेले हैं, इसीलिए सोचे हैं कि एक वीडियो बनाएं हम लोग। और क्या करें दोस्तों, अभी तो नाश्ता बना रही हूँ, खाना बना रही हूँ, नहा धो कर रेडी हो चुकी हूँ। और सोच रहे हैं कि बना रहे हैं खाना, आप देख लीजिए। अभी तो आटा भी लगा रहे हैं दोस्तों, अभी खाना वाना भी बना नहीं है क्योंकि 7:45 हो चुका है और हम अकेले हैं तो धीरे धीरे करना पड़ता है मेरे को। धीरे धीरे काम कर लेते हैं धीरे धीरे। और हमारी एक बच्ची आई है दोस्तों, तो वो रहती है तो थोड़ा हेल्प करवा देती है, लेकिन वो भी आज गई है गंगा जी स्नान करने। हम तो नहीं गए हैं, हम तो घर पे ही नहा ले चुके थे, इसीलिए हम नहीं गए हैं। और उसको भेजे हैं कि जाइए अपना आप नहा लीजिए, तो गई है नहाने के लिए। और हमारे घर के सब सदस्य गए हैं लोग, बस हम ही एक केवल हैं कि हम ही नहीं गए हैं, क्योंकि हमको गंगा जी नहीं नहाना है, इसीलिए नहीं गए हैं। और वो सब नहा कर आएंगे, वो सब तो व्रत हैं दोस्तों, हम तो व्रत नहीं हैं क्योंकि हम भूखे नहीं, व्रत नहीं किए क्योंकि उस साल का छूट गया है ना, इसीलिए हम व्रत नहीं भूखे हैं। तो सोचे हैं कि हम खाना बना लें स्थिर से अपना। और इधर सब्जी हो रहा है, इधर चावल बन चुका है, आटा लगा रहे हैं धीरे धीरे। दोस्तों, हम आटा नहीं लगाते हैं, उन्हीं लोग से सम्मा लेते थे, क्योंकि आटा उटा लगाते हैं ना तो मेरे को बहुत परेशानी हो जाती है, दिक्कत होने लगती है, इसीलिए नहीं करते हैं, उन्हीं लोग से करवाते हैं। और क्या करें दोस्तों, कोई कई दिन करके देगा हमको खाने के लिए और आराम देगा बनाने के लिए। थोड़ा अपने हाथ से भी हेल्प ले लेते हैं, अपने हाथ से भी कर लेते हैं थोड़ा मोड़ा काम अपने से। अब नहीं है हमारी बच्ची तो आटा हम लगा रहे हैं। हमारी बच्ची नहीं है दोस्तों, हमारी दीदी की लड़की है, बहुत छोटी है अभी, 10 साल की नहीं हुई है, फिर भी उतना काम करती है क्योंकि मेरा तबीयत ठीक नहीं रहता है, मेरा तबीयत बहुत खराब रहता है, इसीलिए हमारे घर पे हमारे हस्बैंड भी रहते थे तो वो करते थे, वो नहीं है तो वो कर रही है। और चली जाएगी 14 तारीख को, तो आएगी बड़ी बेटी काम करने के लिए। और हम चूल्हे पर खाना बनाते हैं दोस्तों, इसीलिए लकड़ी देख लीजिए लगाना पड़ रहा है, क्या हमारे घर तो गैस है नहीं कि गैस पे खाना बनेगा। गैस खरीदे भी हैं तो उतना पैसा भी नहीं है कि हम गैस भरवा कर गैस पर खाना बनाएं, इसीलिए हम चूल्हे पर बनाते हैं लकड़ी लगा लगा कर। और भी एक चूल्हा है, एक चूल्हे पर खाना बनाना पड़ता है दोस्तों, क्या करें। किसी किसी की मजबूरी होती है, लेकिन आप लोग सपोर्ट कीजिए कि इस मजबूरी से हम भी लोग मुक्त हो जाएं, क्या करें। देख लीजिए कितना हमारा घर कैसा है, पूरा कबाड़ा जैसा हमारा घर, अच्छा भी नहीं है लेकिन जो भी है हमारे लिए अच्छा ही है। आप लोग भी शायद पसंद नहीं कर रहे हैं क्योंकि हस्बैंड जी मेरा घर में वीडियो नहीं बनाने देते हैं, कहते कि मेरा घर अच्छा नहीं है। तो दोस्तों, क्या करें, किसी का देख कर क्या करेंगे, जो हमारा है वही ना हमारे लिए अच्छा है, हम यहाँ पर रह रहे हैं।
काम बना देते हैं, वो नहीं बनाते हैं, पहले बनाते थे, हम नहीं बनाते हैं। अब तो चले गए। हेलो फ्रेंड्स, तो अब वीडियो में यहीं तक एंड करते हैं, क्योंकि अब हमारा खाना बन चुका है और जा रहे हैं अब दूध उधर के, अब डेरा पर खाना लेकर जाएंगे। और देख लीजिए हमारा रोटी तो बन चुका है दोस्तों, अब हम जा रहे हैं अपना काम करेंगे, खाना लेकर जाएंगे डेरा पर। बाबूजी को घर पे नहीं रहते हैं, वो जहाँ डेरे पे रहते हैं तो खाना ले जाना पड़ता है दोस्तों, क्योंकि हमारे छोटे देवर थे वो काम करने चले गए हैं, और बड़े जानी हैं और बड़ी मेरी दीदी है तो चली गई हैं। सब आप लोग को बताए थे पर आगे जो गंगा जी गई हैं सब स्नान करने, अब वो सब तो भूखी, सब लोग तो क्या लेकर जाएंगे दोस्तों, हमें भी लेकर जाना पड़ेगा, क्योंकि धीरे धीरे तक लेकर चले जाएंगे, लेकर चले आएंगे। और कब वो आएंगे लोग, कब नहीं आएंगे, तो कब तक हम जाएंगे उन लोग को, पहले मेरे बाबू भूखे रह जाएंगे। जा रहे हैं खाना लेकर, बाय 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 दोस्तों। देखिए आप नहीं दूल्हे अभी खा रोटी बना रहे थे, अब बच चुका है।